बच्चों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करेंगे। आपके सामने मैंने एक लाइन लगाई है। यस मैम। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को छोटा करना है, ठीक है? यस मैम। अगर मैं आपको कहूँ कि ये लाइन छोटी करनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? मार्कर रखा है आपके सामने, डस्टर रखा है, क्या करोगे बताओ? इसके माइंड में आ रहा कुछ? ठीक है, अगर आपको कोई कहेगा लाइन को छोटा कर दो, तो सबसे पहला आइडिया हमारे पास ये आएगा कि हमने उसको अगर हम मिटा सकते हैं तो मिटा देंगे कुछ हिस्सा उसका, ठीक है? तो लाइन पहले से छोटी होगी। यस सर। ठीक है, और कोई तरीका किसी को पता हो इस लाइन को छोटा करने का? दूसरा तरीका है कि अगर हम इसके सामने एक बड़ी लाइन लगा दें तो ये छोटी होगी या नहीं? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि अगर हमने लाइफ में किसी को छोटा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नुकसान पहुंचाएं, हम खुद को इम्प्रूव करके उससे अगर हम अपने आप को बड़ा बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज छोटी हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। मान लो ये आप हो, ठीक है, छोटे वाले, ये कोई और है, ठीक है, आपको दिखता है कि ये मेरे से बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो आप अगर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, उसको छोटा करने की कोशिश करोगे? तभी आपसे छोटा हुआ, नुकसान आपने इसको पहुंचाया, अपने आप पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाए, ठीक है? पर आप अगर इसको उतना ही रहने दो जितना ये था और आप खुद को ही बड़ा कर लो तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो गया ना बिना नुकसान पहुंचाए। तो इसमें आपका फायदा किसमें है, इसको छोटा करने में या खुद को बड़ा करने में? खुद को बड़ा करने में। खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेहतर बनाओ, ठीक है? yes, जैसे मान लो किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए हैं, ठीक है, तो आपको उससे भी बेटर बन के दिखाना है, आप क्या करोगे? उसके नंबर तो नहीं कम कराओगे, आप खुद मेहनत करोगे और अपने 90 नंबर ले सकते हो, 100 नंबर ले सकते हो। तो खुद को इम्प्रूव करना अच्छा है या दूसरे को नीचा दिखाना अच्छा है? खुद को इम्प्रूव करना। तो ये लाइनें हमें क्या सिखा रही हैं कि खुद को इम्प्रूव करके भी हम दूसरों को छोटा कर सकते हैं, ना कि उनको नुकसान पहुंचा के। क्लियर? यस मैम।